फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में जाते हैं 15G और 15H का फॉर्म भरने, तो उसकी एप्लीकेशन कैसे देनी है आपको बैंक में, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आइए हम वीडियो देखते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 15G और 15H क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट से आने वाला ब्याज इनकम टैक्स के दायरे में आता है या फिर इससे ज़्यादा आता है तो उस पर TDS काट लेते हैं, और TDS से बचने के लिए अपन 15G और 15H की मदद लेते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ SBI कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो डेट आपको जिस दिन भी आप ये फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवाए उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखना है, तो मैं डेट लिख देता हूँ आज की। उसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद आपके अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपकी चेकबुक डायरी में जो आपके अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपकी जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, सेम ब्रांच के सामने। और आपको जैसे 15G और 15H की मदद लेना है तो पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर क्लिक करने के बाद 15G और 15H पे क्लिक करके ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका साइन होगा। साइन करने के बाद आपको इसके पीछे अपना आधार कार्ड लगाना होगा, और आधार कार्ड लगाने के बाद ये फॉर्म आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।